नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है और क्वेश्चन में गिवन है 57th क्वेश्चन. 57th क्वेश्चन क्वेश्चन में गिवन है हेलीकॉप्टर ऑफ मास 100 केजी राइजेस विथ वर्टिकल एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड. द क्रू एंड पैसेंजर वे 300 केजी. गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फर्स्ट वाला पार्ट है द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर. ओके, तो डेफिनेटली अगर ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हेलीकॉप्टर अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पर ये पूरा कंबाइन मास कंसीडर करें, किसका कंबाइन मास कंसीडर करें हम, पैसेंजर और क्रू का, तो पैसेंजर और क्रू का कंबाइन मास यहाँ पर 300 केजी गिवन है ना. तो यहाँ पर हम इसका अपेरेंट वेट काउंट करेंगे. क्या काउंट करेंगे? अपेरेंट वेट, ठीक है. और जो अपेरेंट वेट होगा वही किसके बराबर होगा? वही फोर्स के बराबर होगा. फोर्स ऑन फ्लोर के बराबर होगा, है ना. तो ये जो फर्स्ट केस में हमको फोर्स निकालना है वो एम जी प्लस ए के बराबर होता है. जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जी प्लस ए के बराबर होगा. हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि जैसे अगर ये एम जी नीचे लग रहा है और एम ए शूडो फोर्स नीचे लग रहा है और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और इतना ही फोर्स फ्लोर पर भी लगेगा, है ना. तो एफ इज़ इक्वल टू एम. एम का वैल्यू कितना है? 300. और जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं. ए का वैल्यू 15 है ना. तो यहाँ पर एफ इज़ इक्वल टू 300 इंटू 25 हो जाएगा, मतलब 7500 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आया. अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, बी वाला पार्ट देखते हैं, है ना. तो बी वाला पार्ट क्या कह रहा है? बी वाला पार्ट कह रहा है कि द एक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रोटर ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर. ओके, तो यहाँ पर फिर हम अपेरेंट वेट की बात करेंगे, पर यहाँ पर कंप्लीट मास लेना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम अपेरेंट वेट की बात करें, अपेरेंट वेट ऑफ टोटल मास मतलब कि पैसेंजर क्रू एंड हेलीकॉप्टर, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा M1 प्लस M2, है ना. तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, हेलीकॉप्टर 1000 प्लस 300 और इनटू जी का वैल्यू 10 और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन है 15. तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1300 इंटू 25, मतलब 25 3 75 5 और 35 25 plus 7 is 32. ओके, और 30 फिर हम लगा देंगे, है ना. दैट इज इतना फोर्स सराउंडिंग एयर पर लगेगा. ओके, और उसी से रिलेटेड हमारे पास सी ऑप्शन है. सी क्वेश्चन क्या है? फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग. तो जितना फोर्स हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर पे लगाएगा उतना ही फोर्स अकॉर्डिंग टू द एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन. तो फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर ड्यू टू सराउंडिंग एयर, ठीक है. और ये हम बात कर रहे थे फोर्स ऑन सराउंडिंग एयर ड्यू टू हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू, इसका हम माइनस लिख देंगे, माइनस 325000 न्यूटन. ओके, थैंक यू वेरी मच. यहाँ पर 000 नहीं आएगा, यहाँ पर 00 ही आएगा. एक ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो यहाँ 00 आपको लिखना है. ओके, थैंक यू वेरी मच.